नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विथ अरुंधति। दोस्तों, आज मैं एक गोरीचोरी प्लांट है जिसकी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो गई है, तो उससे पहले ये थोड़ी सी मेरे गुलाब देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये देसी गुलाब है और बहुत सारे फूल खिले हैं, सात फूल खिले हैं अभी। और ये देखिए गोरीचोरी का प्लांट, जिसे हम येलो टिकोमा भी बोलते हैं। तो ये देखिए इसकी ग्रोथ कैसे रुक सी गई है, क्योंकि ये इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो चुकी है। तो मैं इसको थोड़ी सी निकालूंगी और रूट प्रूनिंग करूँगी, उसके बाद इसको फिर और एक पॉट दे दूँगी। दोस्तों, पहले मैं इसकी मिट्टी को थोड़ी सी ढीली कर रही हूँ किनारे किनारे से। और अभी कैसे ऐसे ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से निकल आई है। अभी मैं इसको इस प्लास्टिक के जो बॉकेट होती है इसमें लगाऊंगी। ये बॉकेट थोड़ी सी बड़ा है, इसमें ये पहले वाले पॉट से ये थोड़ा सा बड़ा पॉट है। तो मैं पहले थोड़ी थोड़े साइड से मैं इसकी रूट प्रूनिंग कर दूंगी। ये काम अप्रैल महीने में बहुत अच्छा होता अगर करती तो मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो गई है और इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी अभी ही कर रही हूँ। और मिट्टी देखिए कितनी अच्छी मिट्टी बनाई है मैंने, एकदम झुरझुरी, देखिए एकदम सैंडी सॉइल है। इसको भी अभी आना है और बीच में घुसते ही जाना है। ये देखिए, और नीचे से मैं थोड़ी सी नीचे से भी इसको काट लूंगी। ये देखिए,
पुरानी मिट्टी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी बना कर रखी है, यही मिट्टी को मैं अभी इसमें लगाऊंगी। ये देखिए, थोड़ी सी ऐसे इसको दबा देना है मिट्टी को सेट करने के लिए। थोड़ी सी और चलिए, बीचों बीच इसको रखना है, पॉट के बीचों बीच इसको रखना है रूट बॉल को। और दोस्तों, हम इसको अभी लगाने के बाद शेडी एरिया में 3-4 दिन के लिए रख लेंगे, क्योंकि इसकी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी है। तो इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो ये सर्वाइव जल्दी करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले ली है 1 लीटर पानी, इसमें मैं 1 चम्मच भर के एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ, और इनमें थोड़ी सी फंगीसाइड अप्लाई कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला के पहली बार जब हम पानी दे रहे हैं तो अच्छी तरह से इनमें ये प्लांट पे पानी दे देंगे। फिर दूसरी बार जब पानी देंगे तो मिट्टी को पहले चेक करेंगे और फिर इनमें पानी देंगे। ये देखिए, जब तक कि ये ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकल जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।